दीप बीर माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं केले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और देखिए, एक ट्रिक बताऊंगी केला छीलने का, जो शायद आप लोग को पता ना हो। ये देखिए, इसको इस तरह काटेंगे दोनों साइड से, और इस तरह का नुकीला चाकू लेके इसको इस तरह से, ज्यादा तेज जोर नहीं, हल्का ही इसको इस तरह से जो रेघा है इस पर चला देंगे चाकू से। देखिए कितनी आसानी से ये छिलका उतर जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ये हो गया। अब ये देखिए कितनी आसानी से छिल गया। और इसके अंदर जो छिलके का जो रहता है, उन छूट जाने के बाद वो क्या होता है, बाद में वो अलग तरह का कलर आ जाता है। शायद आप लोग नहीं जानते हो, ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो गया। आज हम इस तरह से लंबा करके इसको काटेंगे। ये तो ऐसे गल जाता है, कितना भी मोटा काटिए। आज इसको इस तरह से काट लेंगे क्योंकि इसको फ्राई करने में आसानी होगा। ये बैंगन की तरह काट लेते हैं। और इसका सब्जी बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें सरसों, धनिया, लहसुन, मिर्ची डाले हैं। ये केले की सब्जी के लिए तेल डाल रहे हैं। केले में थोड़ा सा तेल ज्यादा लगता है, एक बार फ्राई करना है और उसके बाद तो मसाला भुनेंगे, तो इसको इसी तरह अभी फ्राई कर ले रहे हैं। ये लाल हो जाएगा फ्राई करने के बाद, इसको निकाल लेंगे। और मैं जब भी केले की सब्जी बनाती हूँ तो उसमें सरसों डाल के ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का मसाला मुझे पसंद है इसीलिए। ये देखिए कैसा फ्राई हो रहा है। केला तो ऐसे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, पका हो कच्चा हो, हर तरीके का केला खाना चाहिए, पका भी और ये कच्चा का सब्जी भी, क्योंकि शरीर के लिए ये बहुत फायदा होता है। और समय से पका केला खाइए तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सब्जी भी बना के कच्चे का खाइए। और मैं जैसे बना रही हूँ उस तरह से आप सब्जी बना के खाइए। आप लोग तो अपने हिसाब से बना के बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से सब्जी बनाइए, आपको विश्वास नहीं होगा इतना अच्छा बनेगा कि आप उंगली चाटते रह जाइएगा। जो बहुत लोग केला की सब्जी नहीं पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं ना, वो भी इस तरीके से अगर बना के दिखाइए दीजिए खाने के लिए, वो लोग भी बहुत चाव से पसंद से खाएंगे। ये मेरा फ्राई हो गया है केला, देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है। अब इसको बाहर कर लेते हैं। इसको बाहर कर लिए बर्तन में। अब इसमें देखिए, जैसे बोले थे कि केला की सब्जी में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, तो उतना तेल डाले थे फ्राई करने के बाद पूरा ख़त्म हो गया। अब थोड़ा डालते हैं। अब इसमें मसाला फ्राई करेंगे। इसमें सरसों का फोरन डाल देते हैं। सरसों का फोरन देके तब इसमें मसाला डालेंगे। मसाला हम पहले से रेडी कर लिए हैं। ये देखिए पहले बताए हैं, सरसों, लहसुन, धनिया और कच्चा मिर्च। अब इसमें क्या करेंगे, फिर बाद में हल्दी और कश्मीरी मिर्च सब मिलाएंगे। ये सरसों फूट गया, अब इसमें मसाला डाल देते हैं। ये देखिए मेरा मसाला तैयार होगा। और आप लोग जरूर बना ट्राई कीजिए और उसके बाद मुझे बताइएगा जरूर कि कैसा बना है। जो लोग नहीं खाते हैं वो खा रहे हैं या नहीं।
मेरी मिर्च डाल दे रहे हैं 1 चम्मच, हल्दी डाल दे रहे हैं 1/2 चम्मच, थोड़ा सा गोलकी पाउडर डाल रहे हैं। मेरे मसाला में रंग आ गया है, हल्दी और कश्मीरी मिर्च मिलने के बाद मसाला का रंग ही बदल जाता है। हरा मिर्चा पीसने के बाद मसाला हरा हरा लगते रहता है, लेकिन ये 2 चीज आने के बाद मसाला कितना अच्छा लगने लगता है। मसाला भुना गया है, अभी इसमें केला डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये पक जाएगा, थोड़ा इसको ढक देंगे, अभी 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। मैं पक गया है केला मसाला में, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं, हम कुछ डाले नहीं है, सिर्फ धनिया पत्ता डाले हैं। अभी इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे नहीं, तो पूरी तरह से गला हुआ है, सीधा है और मसाला भी पूरा फ्राई हो गया है, तो थोड़ा पानी डालेंगे सिर्फ ग्रेवी के लिए। ये उबाला है, छोटा सा कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल दिए हैं, इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए मेरा सब्जी कितना लाजवाब बन गया है और कितना जल्दी में बना है। केला का सब्जी एकदम फटाफट बन जाता है, बना के देखिए और खाइए, हमको कमेंट जरूर लिख के भेजिएगा कि कैसा लगा है। ये देखिए मसालेदार मजेदार मेरा सब्जी केला का तैयार हो गया है। इससे पहले हमने केला का कोफ्ता बनाया था, उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, और ये भी आप लोग ट्राई करके देखिए और उसके बाद हमको कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा कैसा लगा। और दीप वीर माँ की रसोई को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।